अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और एट सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज टेन और उसका क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टू सी टू अल्फा माइनस टेंज एन टू अल्फा तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोलूशन उसके लिए हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका जो है वो हमारे पास है हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा तो कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा की जो ऑपोजिट साइन के साथ टर्म बनेगी वो कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा सो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा के साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा के साथ कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो न्यूमिनेटर है न्यूमिनेटर में हमारे पास जो दोनों टर्म्स है मल्टीप्लीकेशन में वो दोनों टर्म सेम है तो जब सेम टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा तो ये हमारे पास आएगा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर हमारे पास है कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इन टू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा एक टर्म हमारे पास प्लस में है और एक माइनस में है तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो टर्म्स हमारे पास बनेगी वो बनेगी कॉज स्क्ल्फा माइनस साइन स्क्वा तो न्यूमिरेटर में स्टूडेंट्स हम कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कॉ स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू कॉज अल्फा साइन अल्फा और स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉज स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा जो कि हमारे पास कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला है सो कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे कॉस टू अल्फा और जो न्यूमिनेटर की टर्म्स है अगर उनको हम थोड़ी सी अरेंजमेंट के साथ लिखें तो ये अगर साइन स्क्वेयर को हम पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम लिखेंगे टू साइन अल्फा कॉज अल्फा और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है वो हमारे पास है कॉज टू अल्फा तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है साइन स्क्वायेर अल्फा प्लस कॉज स्क्वा ये हमारे पास वन के इक्वल है चूंकि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है और तो ये वन के इक्वल है तो इसकी जगह हम लिखेंगे वन माइनस नेक्स्ट टर्म को अगर हम देखें टू साइन अल्फा कॉज अल्फा तो ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन टू अल्फा का तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन टू अल्फा और डिनोमिनेटर हमारे पास है कॉज टूअल्फा तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें हम कॉज टू अल्फ़ा को सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा वन ओवर कॉज टू अल्फ़ा माइनस साइन टू अल्फा ओवर कॉज अल्फा तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वन ओवर कॉज अल्फा और जो कॉज का रेसिप्रोकल है वो हमारे पास सीक्वेंट होता है तो जो वन ओवर cos टू अल्फा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं सीक्वेंड टू अल्फा माइनस और जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो है साइन टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा जो कि हमारे पास बनेगा tangent एंड टू अल्फा के इक्वल तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारी राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है स्क्वेर रूट वन प्लस साइन अल्फा ओवर वन माइनस साइन अल्फा इक्वस टू साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉज अल्फा बाय टू ओवर साइन अल्फा बाय टू माइनस कॉज अल्फा बाय टू तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोलूशन और उसके लिए हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है स्क्वायर रूट वन प्लस साइन अल्फा ओवर वन माइनस साइन अल्फा स्टूडेंट्स इसमें अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो राइट right साइड पे जो टर्म्स हमने बनानी है उसमें जो एंगल है वो हाफ एंगल के फॉर्म में इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में हम जो भी फार्मूलाज यूज करेंगे वो हाफ एंगल के फॉर्म में होने चाहिए ताकि हम उसे हम राइट हैंड साइड बना सकें तो अगर स्टूडेंट्स हम फंडामेंटल आइडेंटिटी में जो फर्स्ट हमने फार्मूला देखा था कि हमारे पास जो फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वन तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है अगर लेफ्ट साइड को देखें तो यह है साइंस स्क्स कॉज स्क्ल्फा एंगल हमारे पास दोनों रेशियोज के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए और उन वैल्यूज पे स्क्वेयर होगा दरमियान में प्लस तो ये वैल्यू वन के इक्वल आएगी तो एंगल स्टूडेंट्स अगर हम कोई भी चेंज करते हैं यहाँ पे तो वो चेंज दोनों जगहों पे आएगा तो इस फार्मूला को स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर हम एंगल को टू से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वेयर अल्फा बाय टू प्लस कॉस स्क्र अल्फा बाय टू इक्वल्स टू वन तो जो स्क्वेयर रूट में हमारे पास वन है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इस वन की जगह पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर अल्फा बाय टू प्लस कॉस स्क्र अल्फा बाय टू और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास स्क्वायर रूट में वो है साइन अल्फा और साइन अल्फा की जगह पे हमने जो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा वो हमारे पास फॉर्मूला था साइन अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा बाय टू कॉज अल्फा बाय टू तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है हाफ एंगल की फॉर्म में रेशोस हैं तो अब इन वैल्यूज को हम सबस्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स स्क्वेयर रूट के अंदर तो वन की जगह पे सबसे पहले हम लिखेंगे वन की जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा साइन स्क्वेयर अल्फा बाय टू प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय टू और अगर हम नेक्स्ट टर्म को देखें तो नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन है प्लस और जो नेक्स्ट टर्म है साइन अल्फा उसकी जगह हम लिखेंगे टू साइन अल्फा बाय टू और कॉस अल्फा बाय टू डिनोमिनेटर की जो टर्म हमारे पास है डिनोमिनेटर में सबसे पहले है वन तो उस वन की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन है और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास साइन अल्फा और उसकी जगह हम लिखेंगे टू साइन अल्फा बाय टू और कॉज टू और इस वैल्यू पे हमारे पास है स्क्वेयर रूट तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास जो अरेंजमेंट है इन वैल्यूज की साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉज स्क्ल्फा बाई टू प्लस टू साइन अल्फा बाई टू और cos अल्फा बाई टू इसी तरह से नीचे हमारे पास माइनस साइन के साथ यही अरेंजमेंट है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी जो कि हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायेयर बनता है तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर दोनों जगहों पे हमारे पास फार्मूला बनेगा तो न्यूमिरेटर में हमारे पास ये बनेगा साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉज अल्फा बाय टू होल स्क्वायर और इसी तरह से जो हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बनेगा साइन एल्फा बाय टू माइनस कॉज अल्फा बाय टू होल स्क्वेयर और स्टूडेंट्स इन वैल्यूज पे हमारे पास स्क्वेर रूट है तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्वेयर है चूंकि दोनों वैल्यूज पे है तो ये इस स्क्वेयर को हम स्क्वेयर रूट के साथ कैंसल आउट करेंगे तो कैंसल आउट करने से हमारे पास जो बाकी की टर्म्स बचेंगी वो हमारे पास आएगा साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉज अल्फा डिनोमिनेटर हमारे पास है साइन अल्फा टू माइनस कॉज अल्फा बाय टू जो कि हमारी राइट हैंड साइड है तो ये स्टूडेंट्स हमने एक तो इस क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला सीखा और उसके साथ साथ हमने लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास है कॉसिकंड थीटा प्लस टू टू थीटा ओवर सीकेंड थीटा इक्व टू कॉट थीटा बाई टू तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करेंगे क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉसिकेंट थीटा प्लस टू कॉसिकेंट टू थीटा ओवर सीकेंट थीटा तो यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो सीकेंड थीटा है सीकन थीटा को हम सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो सेपरेटली डिवाइड करने पे ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा थीटा ओवर सिक्न थीटा प्लस टू को सिक टू थीटा ओवर सिकेंड थीटा तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि हमारे पास जो कोसिकन थीटा है कोसिकन थीटा हमारे पास वो है साइन का रेसिप्रोकल सो so, कौिकन थीटा के जगह हम वन ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसी तरह से हमारे पास जो सीकन थीटा है सीकन थीटा का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो है थीटा तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स को लिखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा थीटा टा चूंकि स्टूडेंट कॉसिकन थीटा है उसका रेसिप्रोकल है हमारे पास साइन थीटा तो वो डिनोमिनेटर में उसे लिखा और सिकन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉस थीटा तो उसको हमने फिर न्योमिनेटर में लिखा और इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो कॉसिकन टू थीटा है उसका रेसिप्रोकल बनेगा साइन टू थीटा और जो थीटा है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास बनेगा कॉस् थीटा तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हम कुछ इस तरह से लिखते हैं थीटा का जो रेसिप्रोकल है इसको हम ऊपर लिखेंगे टू कॉस थीटा और जो डिनोमिनेटर में वो हमारे पास आएगा साइन टू थीटा तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्जर सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास है साइन टू थीटा और साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है टू साइन थीटा कॉस थीटा तो इसको हम फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई तो जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म में हमारा जो कॉस है कॉस से कैंसल आउट होगा और टू को हम टू से कैंसिल आउट करेंगे तो जो फाइनल टर्म हमारे पास बनेगी वो है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी वन ओवर साइन थीटा तो स्टूडेंट्स इसका हम लेंगे एलसीएम तो एलसीएम हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास बनेगा थीटा और जो न्यूमिरेटर है उसमें हमारे पास बनेगा कॉस थीटा प्लस वन और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे अगर हम इसको अरेंजमेंट के साथ लिखते हैं वन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम राइट हैंड साइड को देखें क्वेश्चन की तो जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉटेंज इन टू मतलब जो हमने प्रूफ करना है वो हाफ एंगल की फॉर्म में है तो अब जो हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जगह वैल्यूज लिखेंगे या जो फॉर्मूलाज लिखेंगे वो हाफ एंगल के फॉर्म में होने चाहिए तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था हमारे पास जो कॉज का हाफ एंगल की फॉर्म में फार्मूला था हमारे पास जो स्क्वेयर थीटा बाय टू था वो हमारे पास इक्वल था वन प्लस थीटा ओवर टू तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम टू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा टू कॉ स्क्वेयर थीटा बाय टू इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा तो ये स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे न्यूमिनेटर को देखें तो हमारे पास है वन प्लस कॉस थीटा इसकी जगह हम लिखेंगे टू कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर है हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा का जो हाफ एंगल की फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा हमारे पास इक्वल है टू साइन थीटा बाय टू और कॉस थीटा बाय टू तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन दोनों फार्मूलास को अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं तो जो न्यूमिनेटर है न्यूमिनेटर हमारे पास बनेगा टू कॉ थीटा बाय टू और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर हमारे पास है साइन थीटा और साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे टू साइन थीटा बाय टू इन कॉस थीटा बाय टू इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं टू को हम टू से कैंसिल आउट करेंगे और इसी तरह से जो कॉस थीटा बाय टू है वो इसका एक फैक्टर न्यूमिनेटर के जो कॉस थीटा बाय टू है उससे कैंसिल आउट होगा तो जो रिमेनिंग टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी कॉस थीटा बाय टू ओवर साइन थीटा बाय टू तो इसको अगर स्टूडेंट्स हम देखें हमारे पास जो कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाय टू है ये हमारे पास कॉटेनियन थीटा बाय बायू के इक्वल है तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे कॉट थीटा बाय बायू जो कि स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास है वन प्लस टेंट अल्फा इन टू टू अल्फा इक्वल्स टू सीकेंट टू अल्फा तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वन प्लस टें अल्फा टें टू अल्फा तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा है टेंजेंट अल्फा की जगह पे हम लिखते हैं साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा नेक्स्ट टर्म हमारे पास है टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट अल्फा टेंजेंट टू अल्फा टेंजेंट टू अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे साइन टू अल्फा ओवर कॉज टू अल्फा तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का लेंगे एलसीएम तो जो एलसीएम हमारे पास बनेगा वो है कॉज अल्फा इंटू कॉज टू एल्फा तो जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स उसको हम लिखेंगे कॉज टू एल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस और जो नेक्स्ट टर्म है उसको अगर हम अरेंजमेंट के साथ लिखें तो वो हमारे पास बनेगी साइन टू अल्फा इंटू साइन अल्फा तो फर्दर स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास जो न्यूमिनेटर है न्यूमिनेटर को अगर हम देखें तो ये टर्म है हमारे पास कॉस टू अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन टू अल्फा इंटू साइन अल्फा तो ये जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास जो कॉज का फॉर्मूला है कॉज का फार्मूला बनता है कॉज अल्फा माइनस पीटा का तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कॉज टू अल्फा माइनस अल्फा और डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा इसको स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में बनेगा कॉज अल्फा और डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई कॉज हमारे पास कॉज के साथ कैंसिल आउट होगा और जो रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास आएगी वन ओवर कॉज टूअल्फ़ा और स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास है वन ओवर कॉज अल्फा और जो वन ओवर कॉज अल्फा है वो सीकेंट टू अल्फा है चूँकि कॉज का रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंड है तो इसको हम लिखेंगे सीकेंड टू अल्फा तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिम्प्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन के सोलूशन समझ आए होंगे तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में